की खबर लखनऊ से बता रहे हैं। कल से यूपी विधानसभा सत्र, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कल से यूपी विधानसभा सत्र, आज विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सर्वदलीय बैठक। सीएम विपक्ष के दलीय नेताओं की आज बैठक है और लोक भवन में आज बीजेपी के विधायकों की बैठक। तो लखनऊ से आपको यह खबर बता रहे हैं, कल से यूपी विधानसभा सत्र और आज विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें सीएम विपक्ष के दलीय नेताओं की बैठक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, कल से यूपी विधानसभा सत्र? जी निश्चित तौर पर, कल 13 फरवरी से ये सत्र चालू होगा। बजट सत्र है, इसमें योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है जिसको योगी सरकार सदन में पेश करेगी। उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम और विपक्ष के सभी जो नेता है वो शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं सदन को शांतिपूर्ण चलने को लेकर इस पे बात होगी। लेकिन विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी आक्रामक मोड में है। तमाम कानून व्यवस्था, महंगाई, अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेरने की तैयारी कर रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा विधानमंडल की बैठक भी होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष के हमले से कैसे बचा जा सके। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष भी विधानमंडल की बैठक करेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी अपने अपने जो विधायक है उनके साथ बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे, कैसे सदन में आक्रामक मूड में रहना है, कैसे सरकार को घेरना है। तो इन तमाम जद्दोजहद के बीच आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उसमें अपेक्षा की जाएगी, सभी को संदेश दिया जाएगा कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने देगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, कल से यूपी विधानसभा सत्र। और इसी बीच यूपी के सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त।